बुर्के में एक महिला आती है बैंक, करती है लोन की बात, उसका पति भी होता है उसके साथ। फिर बैंक वालों के कहने पर नाम और मोबाइल नंबर वो लोग लिखते हैं बैंक के रजिस्टर पर, मगर जो नंबर लिखते हैं वो गलत है। कहते हैं जहां जुर्म होता है वहां कोई ना कोई सुराग अपराधी जरूर छोड़ते हैं। यहां भी वही हुआ, जो नंबर दर्ज किए गए उसमें से लड़की के पिता का नंबर उस व्यक्ति ने सही लिख दिया। बाकी सारे नंबर तो गलत थे, मगर एक सही नंबर ने पुलिस को सुराग दे दिया। ये सारा मामला हुआ हाजीपुर में SDFC बैंक के जरुआ ब्रांच में। ये सब कुछ पुलिस ने देखा 10 जून 2021 से करीब एक हफ्ते पहले के CCTV फुटेज में, जिसकी पुलिस कर रही थी जांच, क्योंकि 10 जून को बैंक के इसी ब्रांच में हुई थी 1,19,00,000 रुपए की लूट। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए CCTV फुटेज खंगाले। लूट से करीब एक हफ्ते पहले के सभी फुटेज को देखकर पुलिस ने पाया कि वो व्यक्ति अरमान है और वो महिला उसकी पत्नी। जो करने आए थे बैंक लूटने से पहले बैंक की रेकिंग, और पुलिस हर संदिग्ध की करने लगी खोज। अरमान ने भले ही अपना नाम गलत लिखा था, पर उसने अपने ससुर का सही मोबाइल नंबर उस रजिस्टर में दर्ज कर दिया था। उसी के जरिए पुलिस अरमान के घर पहुंचने में कामयाब हुई। अरमान के साथ साथ लूटकांड की अहम किरदार उसकी पत्नी और बहनोई गिरफ्तार कर लिए गए। जब मामले की जांच पुलिस ने और गंभीरता से की, तब पता चला कि 18 जनवरी को अरमान, जो सकरा थाना के केशवपुर का निवासी है, आर्म्स एक्ट में जेल गया था। फिर वो 1 मई को जेल से बाहर निकला। उसके बाद उसने एक नया गैंग बनाया। उसी गैंग में शामिल लोगों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। अरमान और उसकी पत्नी का मुख्य काम था लूट से पहले रेकी करना, फिर सही समय पर घटना को अंजाम देना। पुलिस ने इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम है ओम प्रकाश, जिसकी निशानदेही पर समस्तीपुर के ही एक गांव में लुटेरे के घर छापेमारी की गई। घर में ट्रंक से 50,00,000 रुपए की रकम बरामद हुई। मौके से मां बेटा को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक एक महीने में इस गैंग ने करीब 40 से अधिक लूट को अंजाम दिया है। आपको इस CCTV फुटेज में भले ही 5 ही व्यक्ति नजर आ रहे हों, मगर इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले लोग करीब एक दर्जन है। हाजीपुर के जड़ुआ स्थित SDFC बैंक से 10 जून को हथियारबंद लुटेरों द्वारा दिन दहाड़े 1,19,00,000 की लूट मामले की तह तक न केवल पुलिस पहुंची, बल्कि लूट की करीब 90,00,000 रुपए बरामद करने के साथ ही लूटकांड में शामिल 8 लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनमें लूटकांड की अहम किरदार एक शातिर महिला है। तिरहुत IG की मॉनिटरिंग में वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर SP के नेतृत्व में पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एक सप्ताह के अंदर बिहार में अब तक के सबसे बड़े बैंक लूटकांड का उद्भेदन किया है। बैंक लूट की अगर बात करें तो इन दिनों बिहार का समस्तीपुर बैंक लूट का हब बना हुआ है। 19 मई 2021 को बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना इलाके के NH-28 स्थित बैंक की शाखा में बाइक सवार करीब 7 लुटेरों ने बैंक में धावा बोला और करीब 7,50,000 रुपए लूट लिए थे। वहीं बेखौफ अपराधियों ने 29 अप्रैल 2021 को दिन दहाड़े समस्तीपुर कैनरा बैंक के विक्रमपुर बांदे शाखा में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 की संख्या में आए नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था और अपराधियों ने बैंक से 1,80,000 लूट लिए थे। यानी पुलिस ने जांच में पाया कि हाजीपुर बैंक कांड में वो महिला भी शामिल है जो बुर्के में बैंक की करती है रेकी और फिर होती है डकैती। बिहार इन शॉर्ट से
मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।